हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। सब्सक्राइब करें सारे प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए। सो व्यूवर्स, आज हम देखेंगे पिनाकोलो प्रोजेक्ट जो कि एसकेडी रियलिटी और कानुनगो ग्रुप ने डेवलप किया है। ये जो लोकेशन आता है वो है कनकिया लोकेशन, अपना आरबीके स्कूल के पास में। और देखा जाए तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इसका एलिवेशन। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये 22 माले की बिल्डिंग है जिसमें 2 लेवल का पार्किंग दिया हुआ है और क्लब हाउस वगैरह ये सब एमिनिटीज़ भी काफ़ी है इसमें। स्विमिंग पूल एरिया, जिम, ये सब एमिनिटीज़ आएगा ये प्रोजेक्ट में। सो इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं इसका आज दिखाऊंगा 3 BHK का फ्लैट जो कि एक्चुअल फ्लैट रहेगा। आ गए हम साइट पे पिनाकोलो के और ये है इसका मेन एंट्रेंस। आप देख सकते हैं SKD रियलिटीज़ इनके डेवलपर है, उनका ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये 22 माले का आप टावर देख रहे हैं। ए विंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, BCD रेडी है। और आगे हम लॉबी एरिया में जिसमें आपको मिलता है 1 फ्लोर पे 6 फ्लैट और 2 लिफ्ट रहेंगे। ये प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि आपको वेराइटीज़ मिल जाते हैं ऑप्शन में। सो काफ़ी स्पेशियस लॉबी दिया हुआ है। सो अब आपको दिखाते हैं 3 BHK का एक्चुअल फ्लैट। और ये है लिविंग एरिया जो कि 10x19 का लिविंग एरिया है। काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया दिया हुआ है जिसमें आपको बैल्कनी अटैच मिलता है, फ्रेंच विंडो रहेगा। इंटरनल एमिनिटीज़ में आपको जैसे वीडियो डोर फोन की फैसिलिटी दिया हुआ है बिल्डर ने इसमें। और चलते हैं अभी आगे, देखते हैं हम किचन एरिया। ये आगे हम किचन में, और किचन आपको मिलता है पूरा मॉड्यूलर जिसमें आपको 2 प्लेटफॉर्म मिलेगा सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ में। पूरा ट्रॉली सिस्टम किया हुआ है, इसमें भी फ्रेंच विंडो रहेगा। और आपको मिलता है ड्राई यार्ड जो कि ड्राई बैल्कनी है जिसमें आप वॉशिंग वगैरह आप अपना रख सकते हैं। टैप्स के कनेक्शन रहेंगे। और एक चीज़ और है, ये जो किचन का ड्राई यार्ड है ये आपको एक बेडरूम से अटैच मिलेगा इसका बैल्कनी। सो आप ये देख सकते हैं किचन काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ, स्पेशियस है। ये है बाथरूम, बन शायद से बाथरूम बंद करके रखा हुआ है इन्होंने क्योंकि फिटिंग्स वगैरह सारी लग गई है। सो आपको बाथरूम में नहीं दिखा पाऊँगा। सो ये है बेडरूम 1 जो कि नॉन मास्टर बेड है। इसमें आपको एक AC मिलेगा, AC रूम रहेगा ये पूरा जिसमें आपको बैल्कनी अटैच है। ये 11x9 का बेडरूम एरिया है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम दिया हुआ है। सो आगे हम दूसरे बेडरूम में, और ये मास्टर बेड है जिसमें आपको फ्लोरिंग मिलता है वुडन, वार्डरोब का स्पेस अलग से रहेगा, इसमें भी AC लगा हुआ है। सो आपको 3 BHK में AC मिलता है तीनों बेडरूम्स में। सो AC मिलेगा, 2 BHK में 2 AC दिया हुआ है इन्होंने बेडरूम्स में। सो AC रूम्स हैं ये सारे और काफ़ी बड़े बिल्डर हैं ये, इनके प्रोजेक्ट्स और भी बने हुए हैं। सो देखते हैं अपन बेडरूम 3। सो आ गए हम बेडरूम 3 में, आप देख सकते हैं इसमें भी AC फिटेड है और वुडन फ्लोरिंग आपको मिलता है, वार्डरोब का स्पेस अलग से मिलेगा। 13x10 का ये साइज़ है बेडरूम का और मास्टर बेड के साथ में है ये। सो काफ़ी ओपन फ्लैट है इसमें, आप देख सकते हैं सनलाइट वगैरह डायरेक्ट फ्लैट में आ रहा है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा फ्लैट में। और हम जो अभी देख रहे हैं इस वक्त ये है 16th फ्लोर पे फ्लैट। हम 16th फ्लोर पे, टोटल ये 22 माले का बिल्डिंग है। आप ये देख सकते हैं व्यू, पूरा ओपन व्यू मिलता है आपको फ्लैट में से, काफ़ी अच्छा व्यू है। जितना ऊपर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्लोराइज वगैरह है इसमें, अराउंड कुछ 20,000 रुपीज़ फ्लोराइज रखा हुआ है इन्होंने पर फ्लोर। सो आ गए हम पोडियम पार्किंग पे और ये आपको दिख रहा है क्लब हाउस। ये इनका G+1 का क्लब हाउस रहेगा। ये देखा 3 BHK का एक्चुअल फ्लैट और ये रेडी टू मूव बिल्डिंग है। सो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।